हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्राची प्रज्ञा गुलुगुलू में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एग और ब्रेड से बनने वाली सैंडविच के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो की ओर चलते हैं। ये है पत्ता गोभी, ये है शिमला मिर्च, ये है बारीक कटा हुआ प्याज, ये है धनिया, ये बारीक कटा हुआ टमाटर, ये बारीक कटा हुआ मिर्च, ये प्याज, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे एक ब्रेड सैंडविच में यूज़ होंगे, इस्तेमाल होंगे। अब ये कैसे इस्तेमाल होंगे चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम गैस पे अपना कढ़ाई चढ़ाएंगे, उस पर अपना कुकिंग ऑयल डालेंगे। जो भी जिस तेल से भी आप खाना बनाते हो वो तेल आप कढ़ाई पे डाल दोगे और तेल गर्म होने तक इंतज़ार करोगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इस पर डालेंगे प्याज। प्याज को एक मिनट तक हम भून लेंगे। फिर डालेंगे पत्ता गोभी, फिर डालेंगे शिमला मिर्च, अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। फ्रेंड्स, आप माइंड मत कीजिएगा, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज करती हूँ। अभी भी बहुत सारी गृहिणियाँ हैं, हाउसवाइफ हैं, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए मैं उन लोगों के लिए हिंदी भी यूज़ करती हूँ और इंग्लिश भी। अब इसमें स्वाद अनुसार ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे। इसे फिर से हम फिर से चला लेंगे जब तक कि पूरी अच्छी तरह तरीके से भून ना जाए। इसे हम तब तक गैस में ही रखेंगे। ये देखिए, हमारा वेजिटेबल्स सब्जी पूरा भुना चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमने पूरे वेजिटेबल को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब वही कढ़ाई में हम ब्रेड को रोस्ट करेंगे। इस पर हल्का हल्का ऑयल है, इस पर हम रोस्ट कर लेंगे, हल्का हल्का सेक लेंगे। हमारा ब्रेड रोस्ट हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमने एक पीस एग ले लिया है, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर इस पे डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, दूसरा चम्मच यूज करने दो, बारीक कटा हुआ टमाटर, आपको अपने अनुसार से टमाटर डालना है, आपको जितना डालना हो, बारीक कटा हुआ मिर्च और धनिया, और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर ऐड करेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्का सा मिर्च पाउडर, हल्का सा गोलकी पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम कढ़ाई पे ऑयल डाल लेंगे, तेल डाल लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब गैस को हम मीडियम फ्लेम में कर देंगे और जो एक कप पेस्ट बनाए थे, घोल बनाए थे, उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई पे एक कप पेस्ट को पूरी तरह से फैला दिया है। मैं कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्राई पैन हो तो आप फ्राई पैन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक के ऊपर ब्रेड रख दूँगी। अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए, ये हमने पलट दिया है और अब इसे हम वापस ब्रेड की ओर पलट लेंगे। अब हम ब्रेड की ओर पलट लिए हैं और गैस को हम बंद कर देंगे। तो हम स्टफिंग के लिए वेजिटेबल्स को फ्राई किए थे, उसे हम डालेंगे।
देखिए ये देखिए सारा स्टफिंग कर दिए हैं, जितने भी वेजिटेबल को फ्राई किए थे। अब वेजिटेबल के ऊपर हम सॉस डालेंगे। अब हम ये एक बचा हुआ ब्रेड हम निकाल लेंगे वापस और बीच से हम ऑमलेट को कट कर देंगे। अब ये निकाला हुआ ब्रेड को हम वेजिटेबल के ऊपर रख देंगे। अब कट किया हुआ ऑमलेट हम ब्रेड के ऊपर रख देंगे। ये देखिए ये हमने ऑमलेट को पूरी तरह से ब्रेड में फिक्स कर दी। साइड साइड में जो ऑमलेट निकला हुआ था उसे भी कट करके इसके ऊपर रख दी हूँ। अब हम ये देखिए हमारा सैंडविच बनके रेडी है। आप इसे बीच से कट भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कट के रेडी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे काटना चाहते हो या नहीं। ये था हमारा सैंडविच का रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर से ज़रूर करें। ओके गाइस, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।